एवरीवन, दिस इज जहांजेब अहमद खान एंड दिस इज अली हाशमी। व्यूअर्स, आज रिएक्शन के लिए जो वीडियो हम लेके आई हैं वो एक टीवी कमर्शियल है, और एक टीवी कमर्शियल के अंदर हमें आप बताएंगे कि क्या है, क्योंकि इसमें ये एक घर घर की कहानी है और इसमें हमें हमें फैमिली वैल्यूज का के बारे में आपसे डिस्कस करना है। जी बिल्कुल गाइस, आपको बताते चलें कि आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और जिस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो एक इंतहाई क्रिटिकल सेंसिटिव और बहुत एक हसास मामला भी है, और चूँकि ये कहानी घर घर की है और इस पर जो एड बनाया है और जो स्क्रिप्टिंग है उस बारे में हमने रिएक्शन देना है। सो मेरे ख्याल है जहाँ से पहले वीडियो देख ली जाए जी, उसके बाद हम लोगों से इसके बारे में बात करेंगे। चलेगा व्यूअर्स, चले पहले हम वीडियो देख लेते हैं। जी लेकर आज तो बॉस ने दिमाग की दही बना दी। चाय मिलेगी? तुम्हारा दिन कैसा था? आज अम्मी आई थी तुम्हारी। टपाल दानेदार, बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय पियोगी? दिन टफ था लेकिन शाम सेट हो जाएगी। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। मैंने ये देखा है कि ये एक घरेलू जिंदगी दिखाई गई है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ मियां बीवी की दिखाई है, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली वाला तो सीन नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ मियां बीवी रह रहे हैं इस घर में, लेकिन अगर माँ बाप इनके घर आते हैं तो उसके ऊपर भी इनको बहुत बुरा लगता है। क्या ये बताना चाहते हैं कि ये घर में अकेले रहें, इनसे मिलने कोई ना आए? अगर एक वालदा, एक बहुत ज़बरदस्त रिश्ता होता है, उसको इन्होंने जिस तरीके से पिक्चराइजेशन की है, चाहे वो सास हो चाहे वो अपनी माँ हो, तो बेटे को अपनी माँ एक्सेप्ट करना या बीवी को अपनी सास एक्सेप्ट करना, ये इनके लिए बड़ा बोझल दिखाया गया और ये विलन दिखाई गई। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल जहाँ से इसको थोड़ा पॉजिटिव भी लूँगा और थोड़ा नेगेटिव भी है, तो चूँकि ये रिएक्शन वीडियो है तो रिएक्शन तो हमें देना है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ जी। सो मुझे जो इसमें चीज़ नज़र आई है वो ये देखा गया कि व्यूअर्स आपने भी नोट किया होगा कि माँ का जो एक रिश्ता है वो बहुत मुकद्दस होता है। तो माँ चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, माँ माँ ही होती है जी। और माँ को माँ ही समझना चाहिए, ना कि डिफ्रेंसीशंस जो है वो डालनी चाहिए कि ये तुम्हारी माँ है या ये मेरी माँ है। माएँ सबकी सांझी होती हैं। और तो इसमें जो चीज़ हाईलाइट की गई है जहाँ से, वो एक जॉइंट फैमिली अगर हो, आप कंबाइन रह रहे हो, ये तो चले एक अपार्टमेंटल लाइफ थी और अपार्टमेंट में ये कपल रह रहा है और अब ऑफिस से आ रहा है और देख रहे हैं उसमें, तो चले जी थका हुआ आ रहा है और उसे चाय की क्रेविंग हो रही है, तलब हो रही है, और वो उसमें जो है अपनी थकन से चूर है और आके वो गिरता है सोफे पे और साथ ही उसकी वाइफ उसे बोलती है आज अम्मी आई थी। तो इसमें लड़के का भी जो है वो उसमें उसकी भी वो मायने रखती है बात, के एकदम लड़के के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। सबसे पहले लड़के के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और उसके बाद जब मॉडल है सारा, वो जब कहती है कि तुम्हारी अम्मी आई थी, तो साथ ही उसकी जो है वो बांछें खिल जाती हैं, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो ये अगर लड़का भी अपनी सास को माँ ही समझे तो मेरा ख्याल है जहाँ से इसमें कोई कोई मजायका नहीं है। और असल में यही तो हमारे माशरे के अंदर अब जो बन गई आदत सब लोगों की, हमारी जनरेशन किधर जा रही है कि वो ये जो वैल्यूज़ है ना, माँ बाप और इस तरह के रिश्ते करीबी, उन वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हर कोई चाहता है अपनी इंडिपेंडेंट प्राइवेसी वाली लाइफ, और कोई बीच में आकर डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल, ये जो आपने बात की है, मैं इससे आई एम फुली एग्री विद योर दिस फ्रेजल और सेंटेंस, आपके इस जुमले से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और हर बंदे की एक लाइफ है और वो उसे पर्सनलाइज ही करना चाहता है कि जितनी प्राइवेसी हो उसकी, वो उसमें उतना खुश रहता है और चाहता है कि कोई इंटरफेयर ना करे उनकी लाइफ में। और खास तौर पे लड़की जब शादी के बाद ब्याह कर आती है तो उसकी कोशिश हमारे माशरे में जो है वो इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और वहाँ यू नो हमारे जितने सराउंडिंग कंट्रीज हैं एशियंस,
तो मोस्ट प्रोबेबली यही देखा जाता है कि लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को लेके अलग से रहूं। और आपने भी ये नोटिस किया है अभी, तो आप जो है इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, मतलब ये उधर तो समझा जा सकता है कि आपका घर छोटा है, फैमिलीज के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, सब शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, फिर तो बनता है कि जी हम अलहदा से कपल रहें अपने बच्चों के साथ ताकि इजी लाइफ गुजार सकें, बीच में इंटरफेरेंस ना हो उनकी आपस के अंदर कोई अपने डिसीजन। बिल्कुल, यू मीन प्राइवेसी, प्राइवेसी जो है वो चाहते हैं लोग, तो मेरा ख्याल है कि प्राइवेसी ठीक है, रखनी चाहिए। हमारा इस वीडियो पे रिएक्शन देने का मकसद किसी की प्राइवेसी को हरगिज डिस्टर्ब करना नहीं है, या उसमें उस पर क्रिटिसाइज करना नहीं है, या उनमें इंटरफेरेंस करना नहीं है। हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है और उसको पूरी प्राइवेसी का हक भी है और प्राइवेसी होनी भी चाहिए। हमारा इस वीडियो पे रिएक्शन देने का मकसद व्यूअर्स ये है कि जो एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता जिसमें इसमें डिस्कस किया गया है माँ का, जहाँ से आपने भी देखा, तो वो जो मुकद्दस रिश्ता है नाज़रीन, उसको उसका जो है वो तकद्दस पामाल ना करें और बराए मेहरबानी माँ को माँ ही समझा जाए। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आप व्यूवर्स से और देखने वालों से, और जो जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप प्लीज कमेंट डाउन ग्लो सेक्शन, सो नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा। हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ते, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, बट लैक ऑफ टाइम जो है वो हमें हर एक का जवाब देना आसान नहीं होता, क्योंकि लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को जवाब दें। आपका प्यार हमें मिलता रहता है, आपकी सपोर्ट से ही हम लोग हैं, और आपकी जो है प्रेजेंस है वो हमें जो है हमारे लिए एक वर्थ रखती है, एंड वी रियली अप्रिशिएट इट एंड वी आर थैंक यू सो मच फॉर यू गाइज कि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। सो आप इस वीडियो पे भी अपना प्यार दिखाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर यही दिखाने की कोशिश की है कि रियलिटी से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या हमारे माशरे में वाकई ऐसा ही है जो इस एड में दिखाया गया है। क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अननेचुरल इसलिए भी लगा है कि जब आप दफ्तर से आते हैं तो एक लड़का थका हारा आता है, उसका तो नेचुरल सीन नजर आ रहा था। बिल्कुल, ये व्यूअर्स ने देखा है, जहां से भी ये व्यूअर्स ने देखा है इस चीज को, मैंने भी हाँ ये डिस्क्राइब किया है कि वो बाकी जो भी है वो आपने गाइस वीडियो आपने भी देखी, हमने भी देखी, तो आपने अब हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। मुझे बस सिर्फ इसमें डाउट इनकी वाइफ का लगा है कि वाइफ अपने ये हकीकत में सर मुझे ताल्लुक नहीं होता, ठीक है अगर उसका किसी वजह से दिल दुखा होगा, वो आते ही नहीं, बरस पड़ती हस्बैंड है, पहले तो आती है एक अच्छी वाइफ तो वो होती है कि हस्बैंड की पहले हाल पूछती है, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती है तो वो बताते, वो उसने पहले से तहैया किया हुआ था कि मैं आते ही हस्बैंड को ना अपना एक जो गुस्से वाला मुंह दिखाऊं। नहीं मेरा ख्याल है ये हकीकत में मुझे मैं यहां ये इसमें वो लड़की का वो नहीं है, उसने कोई गुस्से वाला मुंह नहीं दिखाया और ना ही उसने कोई इस तरह का 12 बजे थे 12 बात तो वही है, 12 तो बज हम तो अपनी राय दे ही नहीं है, लोग उसकी सास आ गई है, उसकी सास जब आ गई है तो फिर 12 तो फिर बज नहीं है। और हमारा रिएक्शन देने का मकसद और पर्पस और जो हमारा है आप लोगों को आगाही देना, अवेयर करना कि ये जो माँ है बहुत मुकद्दस रिश्ता है, नाज़रीन इसकी कदर करें। और माँ को लेके जो इन्होंने जो टारगेट करके अपने आप को कहना कि एंड के अंदर जो लफ्ज है कि जी दिन बहुत टफ था लेकिन शाम अच्छी हो जाएगी, मतलब इसका मतलब माँ का रिश्ता उनको बड़ा टफ लगा है, ये मुझे एंडिंग इसकी बहुत बुरी लगी है। तो बात सही है नाज़रीन, आप हमें बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन कैसा लगा। सो टिल देन फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।